क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेट्स को कंकेव इन शेप क्यों लिया जाता है। तो एक आंसर मैंने दे दिया आपको कि मैग्नेट को कंकेव इसलिए लिया जाता है ताकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सके। और मैंने यह भी आंसर दिया कि हम अपनी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन क्यों करके रखते हैं, ताकि मैक्सिमम टॉर्क को, टॉर्क इज एन बी आई ए साइन 90। ठीक है, तो एक तो हमने अपनी कॉइल को बी के साथ अलाइन कर दिया और फिर कटिंग ही मैग्नेट की ऐसे की ताकि सारा मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में से निकल गया, तो टॉर्क अपने आप ही मैक्सिमम है। तो यही आंसर लिखने आपने, पॉइंट नंबर वन, पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कनकेव इन शेप, पूछेगा टू हैव यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और आखिरी लिखना है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो साथ में यह भी लिखना है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज दैट फील्ड इन विच प्लेन ऑफ कॉइल ऑलवेज लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है जिसमें कॉइल और बी सेम डायरेक्शन में है ताकि टॉर्क एक्सपीरियंस मैक्सिमम हो, टॉर्क मैक्सिमम हो, इसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। दोनों पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट लिख लो, ये आएगा।